हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। आज की वीडियो में जानेंगे कि आप अपने किसी भी सैमसंग वाले डिवाइस में फ्रेंड्स आपको अपना डायलिंग कीबोर्ड वाइब्रेशन कैसे टर्न ऑफ करना है। फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है, सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको दिख जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, तो आपको यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद गाइस आपको सिंपली करना क्या है फ्रेंड्स, आपको सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद गाइस आपको सिंपली शो जाएगा डायलिंग कीबोर्ड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लिखा हुआ। आपको फ्रेंड्स करना क्या, डायलिंग कीबोर्ड वाइब्रेशन को टर्न ऑफ करने के लिए इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है जो मेरा टर्न ऑन है। और फ्रेंड्स आप बैक जाकर देखेंगे अपने फ़ोन ओपन करके एंड डायलिंग कीबोर्ड ओपन करके, फ्रेंड्स आपकी आपके जो फ़ोन में डायलिंग कीबोर्ड वाइब्रेशन की जो वाइब्रेट हो रहा था और फ्रेंड्स वो आपका ऑफ हो जाएगा। आप अपने फ़ोन में इसको शो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।